Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Gunjan and you're watching Simply Fly. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गंगा जल की, जिसे हम गैंजेस वाटर भी बोलते हैं, होली वाटर भी बोलते हैं. तो क्या आप इस गंगा जल को फ्लाइट में कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आज फ्रेंड्स, मैंने इस टॉपिक को इसलिए लिया है बिकॉज बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट होता है, कन्फ्यूजन रहता है. जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि क्या हम गंगा जल को कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. एंड आई एम श्योर कि अगर आप भी किसी ऐसे रिलीजियस डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं लाइक हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, तो ऐसी जगह पर होली रिवर है, तो आप डेफिनेटली होली वाटर कैरी करना ही चाहेंगे क्योंकि इसके साथ हमारे कुछ रिलीजियस बिलीव्स भी जुड़े होते हैं. तो इसमें कुछ गलत नहीं है, आप कैरी करना चाहते हैं. बट कंफ्यूजन अराइज होता है अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं तब. तो अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो क्या आप इस गंगा जल को फ्लाइट में कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगी और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली हूं. तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, जब भी हम गंगा जल कैरी करने के बारे में सोचते हैं तो कुछ कॉमन डाउट्स हैं जो हमारे माइंड में आते हैं, जिसमें जो पहला है कि इज़ इट अलाउड ऑन फ्लाइट और नॉट, क्या हम इसको फ्लाइट में कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. सेकंड है, इज़ देयर एनी क्वांटिटी लिमिट, क्या कुछ लिमिट है कि इतना लीटर हम कैरी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कैरी नहीं कर सकते हैं. और या फिर इसके बाद एक और डाउट आता है, दैट इज़ इट अलाउड इन चेक इन बैगेज और हैंड बैगेज, दैट इज अ केबिन बैगेज. तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, कॉमन डाउट्स हैं जो जनरली हम सभी के माइंड में आते हैं गंगा जल कैरी करने के टाइम पे. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं डाउट नंबर वन की, दैट इज इट अलाउड ऑन फ्लाइट और नॉट. तो इसका आंसर है येस, इट इज़ वेरी मच अलाउड इन फ्लाइट. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम एनी रिलीजियस प्लेस लाइक हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, तो आप डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं गंगा जल. बट साथ ही साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं और अपना बैगेज स्क्रीन करवाते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि एयरलाइन सिक्योरिटी स्टाफ आपका बैगेज ओपन करवाए टू रिकन्फर्म वेदर यू आर कैरिंग गंगा जल और एनी अदर लिक्विड, बिकॉज दैट इज़ कम्प्लीटली फॉर योर सेफ्टी. तो इसमें थोड़ा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट टू रिकन्फर्म वट काइंड ऑफ अ लिक्विड यू कैरिंग इन साइड योर बैग, दैट इज़ इट. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट ऑल्सो. नेक्स्ट इज देयर एनी क्वांटिटी लिमिट वाइल कैरिंग गंगा जल? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, नो, देयर इज़ नो सच क्वांटिटी लिमिट इन कैरिंग गंगा जल. आप जितना मर्जी चाहे गंगा जल कैरी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है एयरपोर्ट पे जब आप अपने बैगेज का वेट लेते हैं, क्योंकि गंगा जल एक पानी है, वाटर है, तो उसकी वजह से आपका जो बैगेज वेट होता है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है. और जो आपको फ्री बैगेज अलाउंस है एयरलाइन की तरफ से, दैट इज़ 15 kg पर पर्सन. तो ऑटोमेटिकली जब आपका वेट ज़्यादा होता है तो आपको एक्सेस बैगेज वेट जो होता है वो भी पे करना होता है, एक्सेस बैगेज वेट चार्जेस पे करने होते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है. बट अगर आप एक्सेस बैगेज पे करने के लिए रेडी हैं तो आप जितना चाहे कैरी कर सकते हैं. बट मैंने देखा है कि मैक्सिमम एयरलाइन जो होती है 5 लीटर गंगा जल अलाउ करती हैं पर पर्सन. इसके पीछे रीज़न दो है फ्रेंड्स, कि एक तो आपका वेट ज़्यादा हो जाता है, आपका बैगेज वेट ज़्यादा हो जाता है, दूसरा साथ ही साथ अगर आपका वो जो गंगा जल है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कैरी कर रहे हैं तो देर आर चांसेस ऑफ लीकेज, आपके जो लीकेज के चांसेस होते हैं गंगा जल के वो बढ़ जाते हैं. और अगर वो लीक हो जाता है गंगा जल तो वो आपके बैगेज के साथ साथ दूसरे पैसेंजर्स के जो को पैसेंजर हैं उस फ्लाइट में, उनके बैगेज को भी स्पॉइल कर सकता है. तो उसकी वजह से अगर किसी और का बैगेज स्पॉइल है तो वो एयरलाइन को कंप्लेन करते हैं और उस टाइम उन कंप्लेंट्स को रेक्टिफाई करना और उनको फेस करना पड़ता है एयरलाइन को, जिसकी वजह से एयरलाइन आपको एडवाइस करती है कि आप मैक्सिमम ऑफ 5 लीटर कैरी करें गंगा जल. एंड द नेक्स्ट इज, शुड इट बी इन चेक इन बैगेज और अ हैंड बैगेज? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है अगर आप अप टू 100 ml लेके जा रहे हैं तो आप उसको कैरी ऑन बैगेज में कैरी कर सकते हैं, दैट मीन्स आप उसको हैंड बैगेज में कैरी कर सकते हैं. बट अगर आपकी गंगा जल की क्वांटिटी 100 ml से ज़्यादा है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि उसको आप चेक इन बैगेज में ही कैरी करें. अगर आप उससे ज़्यादा हैंड बैगेज में लेके जाएंगे तो आपका सिक्योरिटी चेक के टाइम पे ऑफलोड कर दिया जाएगा गंगा जल, क्योंकि जो हैंड बैगेज में लिक्विड क्वांटिटी अलाउड है दैट इज़ अप टू 100 ml, ये तो हम सभी जानते होंगे. तो अगर आप उससे ज़्यादा कैरी कर रहे हैं तो आई एडवाइज
एडवाइज यू टू कैरी इन योर रजिस्टर्ड बैगेज और अ चेक इन बैगेज। साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप गंगाजल कैरी करने की सोच रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग का खास ख्याल रखिए। गंगाजल लीक नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो गंगाजल है जिसे आप कैरी कर रहे हैं फ्लाइट में वो लीक हो रहा है तो उसे ऑफलोड कर दिया जाएगा। तो हमेशा इसकी पैकेजिंग का खास ख्याल रखिए। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आप गंगाजल कैरी करने की सोच रहे हैं तो वाटर बॉटल में कैरी कीजिए। वाटर बॉटल मीन्स जो आप घर में वाटर बॉटल यूज करते हैं उस टाइप की बॉटल्स में कैरी कर सकते हैं आप, या फिर मिनरल वाटर बॉटल में भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इन बॉटल से लीकेज के जो चांसेस होते हैं वो बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। वो जो प्लास्टिक केन मिलती है लाइक गंगा रिवर के आसपास शॉप्स में, तो उन केन्स में कैरी मत कीजिए, क्योंकि उनसे लीकेज बहुत ज़्यादा होता है। और अगर गंगा जल लीक हो रहा है तो एयरपोर्ट में जब आप जाएंगे स्क्रीनिंग के टाइम पे स्टाफ जो है लीकेज की वजह से आपका गंगा जल उसे ऑफलोड कर दिया जाता है। तो इट्स बेटर कि आप उसको पहले ही किसी वाटर बॉटल में अच्छे से पैक कर लीजिए, उसको टेप कर लीजिए, उसको अच्छे से उसका लिड सिक्योर कर लीजिए सो दैट वो लीक ना हो। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश की है कि कैरेज ऑफ गंगाजल से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। बट अगर स्टिल आपके माइंड में कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी। और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए, आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। जय हिंद।